हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना सागर चैनल में आप सबका वेलकम है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो दोस्तों, ये है विटामिन ई जो आपके सामने ये कैप्सूल रखी हुई है। तो दोस्तों, आज हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। विटामिन ई के बारे में, इसका कितना डोज है, कितना लेना है, कितना, तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, ताकि आपको क्या है, पूरी जानकारी मिले इसमें। पूरा जो है वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड में शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये विटामिन ई के बारे में देखिए, ये विटामिन ई के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ई देखिए, तो इसका जो है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। विटामिन ई, तो विटामिन ई के स्रोत है, और विटामिन ई के फ़ायदे क्या है, और विटामिन कितना खाना चाहिए, और विटामिन ई के नुकसान और अधिक मात्रा में लेने से क्या होता है, और विटामिन ई की कमी से नुकसान क्या होता है, डेफिशिएंसी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं विटामिन ई के स्रोत। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा है कि विटामिन ई ये मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए और विभिन्न रोगों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ये विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है, और इस विटामिन का उपभोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे स्वस्थ आहार के माध्यम से लिया जाए। विटामिन ई ओवरडोसिंग एक खतरा है। तो देख सकते हैं आप, विटामिन ई के जो स्रोत है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए विटामिन के स्रोत, विटामिन ई हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए ये, तो ये देखिए विटामिन ई वसा में घुलनशील यौगिका के एक परिवार से है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत बादाम, मूंगफली और अखरोट है। वनस्पति तेल में सूरजमुखी, गेहूं के बीज, कुसुम मक्का और सोयाबीन में विटामिन ई पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक और ब्रोकोली के रूप में भी विटामिन ई मिलता है। तो अब विटामिन ई के फ़ायदे देखेंगे हम, बेनिफिट। तो देखिए विटामिन ई के फ़ायदे, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, ये नुकसान से कोशिकाओं की रक्षा करता है, स्वास्थ्य समस्याओं की कई किस्मों को कम करने में सहायता करता है, जिसमें कैंसर, दिल की बीमारी से और भूलने की बीमारी जैसी कई बीमारियां हैं। विटामिन ई के कई अन्य फायदे हैं। सेल संरक्षण अलावा विटामिन ई प्रतीक्षा प्रणाली के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई नेत्रों की लंबी अवधि तक रक्षा करता है। एक अनुसंधान के अनुसार विटामिन ई खाने वालों में मोतियाबिंदु कम पाया जाता है, और विटामिन ई स्किन और बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो देखिए, यह हनोना की तरह एक पदार्थ के उत्पादन में काम आता है, जिसे कहते हैं कि पोस्ट ग्लैंडिंस। ये रक्तचाप, प्रजनन और मांसपेशियों में संकुचन सहित शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियमित करता है। एक माध्यम ने यह भी पाया गया है कि विटामिन ए मांसपेशियों की मरम्मत में भी मदद करता है। कैन रोग एंड सिसिस एंड फाइब्रोसिस या जिगर से पित्त को पाचन तंत्र स्वतंत्र करने के लिए असमर्थता होने पर विटामिन ई को पानी में घुलनशील रूप में लेना पड़ता है। इससे पाचन समस्या बचा जा सकता है। और ये बात करेंगे हम, विटामिन ई कितना खाना चाहिए। देखिए विटामिन ई इन डेली रिक्वायरमेंट, तो ये देखिए अनुसूचित आहार पत्ता RD के अनुसार 14 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को विटामिन ई
15 मिलीग्राम यानी कि 22.4 आयु यानी के करीब लेना चाहिए। जो महिला स्तनपान करा रही है उनको अधिक आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऐसी महिलाएं 19 मिलीग्राम यानी कि 28.4 आयु तक ले सकती है। सुरक्षा के लिए ऊपरी सीमा 1000, ये देख सकते हैं आप, 1000 मिलीग्राम 1500 आयु है। ये देखिए बहुत ही कम लोगों को सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अधिकांश लोग एक स्वस्थ आहार में पर्याप्त विटामिन ही प्राप्त कर लेते हैं। विटामिन ई के नुकसान अधिक मात्रा में लेने से, तो ये देखिए विटामिन ई के नुकसान अधिक मात्रा में लेने से ओवरडोज। तो विटामिन ई प्राकृतिक, विटामिन ई प्राकृतिक है और स्वास्थ्य के लिए अच्छे है, लेकिन इससे खाने पर भी दवाओं के जैसे ही ध्यान देना चाहिए। ये वसा में घुलनशील विटामिन है और अधिक मात्रा में लेने पर शरीर में जमा हो जाता है। यह विटामिन ई मूत्र पथ के माध्यम से शरीर में धोया नहीं जा सकता और धीरे धीरे विषाक्त स्तर तक जमा हो सकता है। खाद्य पदार्थ से विटामिन ई लेना रही खतरनाक नहीं है, मुसीबत शुरू होती है जब पूरक आहार के माध्यम से इसे लिया जाता है जो कि डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक से अधिक होता है। विटामिन ई के अधिक मात्रा में होने से अत्यधिक रक्त सताव और थकान सहित कई अन्य बीमारियां हो सकती है। इससे खून पतला भी होता है, इसलिए किसी सर्जरी या ऑपरेशन से पहले खुराक नहीं लेनी चाहिए। विटामिन ई की कमी से नुकसान, डेफिशिएंसी विटामिन ई हिंदी में देखिए, विटामिन ई की कमी बहुत कम लोगों में होती है। इसकी कमी होने पर शरीर पूरी तरह से कुछ आहार को वसा में अवशोषित करने से रोकता है। एनीमिया, कंकाल, मायोपैथ, गतिभंग, परिधि न्यूरोपेटिक, रेटिनापैथिक, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया शक्ति हानिकारक शक्ति विटामिन ई की कमी दिखलाता है। तो दोस्तों मैंने विटामिन ई के बारे में आपको बता दिया है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।